कार्यकर्ता थे यानी इंडिपेंडेंस से पहले बाबू हरदास हेलेन, जिन्होंने भीम का नारा दिया, जो नारा यानी अपने देश के साथ सारी दुनिया में गूंजता है, यानी हर कोई यानी इस चीज को मानता है कि भीम के सिवा इस देश का कोई चारा नहीं, उनके जीवन पर आधारित है कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके का यानी एक कार्यकर्ता किस तरीके से हो सकता है, समाज कार्य किस तरीके से हो सकता है और देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और साथ में दलितों का कैसे उत्थान हो सकता है। बाबा साहब की जो मूवमेंट्स थी वो मूवमेंट्स को किस तरह से सेंट्रल इंडिया में उन्होंने खड़ा किया, उसका सारा सारांश हमने इस फिल्म डालने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा यानी बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि जय भीम किसने दिया है, सब बोलते हैं कि बाबा साहब ने बोला। मैंने कुछ लोगों से पूछा, जब इसका यानी हमने खोद लिया और हमें जैसे मालूम था, लेकिन लोग ये चीज़ हर किसी के पास में जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि जय भीम बाबा साहब ने नहीं दिया है, ये बाबा साहब के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे जो नागपुर जो उस प्रदेश की राजधानी था उस जमाने में, उसके वो पहले MLA थे जब 1937 में इलेक्शन हुआ, और जिस कंडीशन में उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए इस आदर्श को अपनाया, यानी उस आदर्श को आज के जो भी MLA है या MP है वो बिल्कुल यानी उस चीज़ों को अपना नहीं सकते। उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से है, उस जमाने में उनका कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, और गरीबी में रहते हुए भी कैसी देश सेवा की जा सकती है, गरीबों की किस तरीके से सेवा की जा सकती है, उसका आदर्श उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से देने की कोशिश हमने की है, जो डेफिनेटली आज के नौजवानों के साथ साथ हर दर्शक को अपनी ऐसा आत्मीयता से इस फिल्म को देखने की कोशिश करेंगे। हमने हर वो इमोशंस को डालने की कोशिश की है कि जो इंसान की भावनाओं को जागरूक करे, और डेफिनेटली आप लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएंगी, और भलाई हालांकि ये मराठी में है फिल्म है, हम इसका कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदी में डब किया जाए और साथ में इंग्लिश में भी डब किया जाए। विद डब कहानी बाबू की है, हाँ। नारा दिया बाबा साहब कैसे क्या फिल्म में आए, नारा उनका ही है। हाँ, ये ऐसा है कि ये पूरी स्टोरी बिफोर इंडिपेंडेंस यानी 1940 के पहले की स्टोरी है, यानी अंग्रेजों के ज़माने की स्टोरी है। अब अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा था कि बाबा साहब जो एकमात्र दलितों के नेता थे, बाकी जो थे दूसरे यानी चाहे कोई भी पार्टी के हो, ये अलग अलग पार्टी के नेता थे, लेकिन बाबा साहब के ऐसे कार्य नेता थे कि सारे यानी एक साइड में हो जाते थे और बाबा साहब एक साइड में रहते थे। लेकिन बाबा साहब एक साइड में रहने के बावजूद भी, भला ही बाबा साहब बड़े थे, लेकिन बहुत से जो जमीनी तौर पर कार्य करने वाले जो नेता थे, जो उनके साथ में कार्य करते थे, जिनके नाम ऊपर नहीं आ सके किसी कारणवश, इस फिल्म के माध्यम से वो ऊपर आएंगे। बाबू हरदास हेलेन ये बहुत बड़ा नाम था, इनका भी जीवन में इतना बड़ा सेक्रीफाइस है दलितों के लिए है, इस देश की जनता के लिए है, कि कोई भी चीज़ बड़ी, अभी जैसे मकान बनाते हैं तो मकान कोई ऐसे नहीं, उसके लिए नींव रखी जाती है। अब नींव कौन है, तो हमारे कार्यकर्ता होते हैं। अगर कोई भी बड़ा नेता तभी बनता है जब उसके कार्यकर्ता, चाहे गांधी जी लीजिए, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीजिए, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लीजिए, उनके कार्यकर्ता अगर स्ट्रांग रहेंगे तो नेता उतना ही स्ट्रांग होता है, उतना ही वो कार्यान्वित अपने कार्यों को करता है। तो सेम चीज़ बाबा साहब के बारे में भी है कि बाबू हरदास ने उनके कार्य को जमीनी सतह पर इस तरीके से किया कि ऑटोमेटिकली बाबा साहब को इतना विश्वास हो गया उनके ऊपर कि भाई इनके सिवा कोई दूसरा कर नहीं कर सकता, और उनकी सिर्फ 35 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 35 साल की आयु में तो हम सोच नहीं सकते, उन्होंने जो कार्य किया है वो दुनिया के सबसे कम उम्र में एडिटर बने, यानी 18 साल की उम्र में उन्होंने महारट्टा नाम का न्यूज़पेपर निकाला, जो कि आज एक हिस्ट्री है। तो उस जमाने में जबकि इन लोगों को कोई सुविधाएं नहीं थी, दलितों को कोई सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने अपने जीवन में की है, और इसी चीज़ को हमने आगे लाया है। फिल्म मराठी में है, टाइटल है बोले इंडिया के। ये फिल्म हिंदी में होती तो शायद और इम्पैक्ट होता, और लोग देखते, और लोग चाहते बोले इंडिया के लोग देखते। नहीं, डेफिनेटली हमारा प्लानिंग है कि फिल्म हिंदी में भी डब की जाए, यहाँ तक कि हमारा प्लानिंग है कि फिल्म अंग्रेजी में भी डब की जाए, जो फ्यूचर में हम करेंगे तो करने वाले हैं, सब टाइटल्स भी हम डाल लेंगे, यानी समझेगा। लेकिन कैसा है कि चीज़ों को जैसे आसानी से लोगों के पास में लेके जाने के लिए एक मराठी तो माध्यम है ही है, लेकिन एक लिमिटेड माध्यम है। कल चल के अगर ये फिल्म हिंदी में हो जाती है तो बोले इंडिया जो भी अपने आप में ही यानी एक बहुत बड़ा टाइटल है, ऐसा है। तो हमने उसी हिसाब से रखा गया कि भाई लोगों को आसानी से समझे, कभी बाबू हरदास इनकी वाली जीवन सारणी तो लोगों को शायद उतनी आसानी से ना समझे, लेकिन जय भीम के नाम से जब वो आएंगे और रियलिटी देखेंगे कि बाबा साहब भी इसमें है, बाबू हरदास भी है, उनकी जीवन सारणी भी इसमें है, तो लोगों को एक अलग तरीके का अनुभव इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। आर्टिस्ट
बहुत बढ़िया थे। नागपुर में जब हम शूट कर रहे थे ये, तब 50 डिग्री सेल्सियस जहाँ कर रहे थे, जिस खेड़े में हम कर रहे थे, जिस गांव में हम कर रहे थे, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जो कि मुंबई में तो हम सोच नहीं सकते और दुनिया के किसी कोने में भी यहाँ पे शूटिंग हो सकती है। लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट थे, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रोल किया, बहुत बड़े यानी प्ले करने वाले हैं, यानी नाटक के बहुत बड़े हस्ती है वो, श्याम जी भीम सरिया साहब, काफ़ी नाटकों में काम किया, अभी अभी 2-3 हिंदी फिल्मों में और मराठी फिल्मों में भी काम किया उन्होंने, तो उन्होंने बाबा साहब का रोल किया है। बाद में अमोल शिवाने जो है वो काफ़ी हमने सर्च करने के बाद में हमको, क्योंकि बाबू हरदास का एग्जैक्ट ऐसा फिगर चाहिए था कि उनके जैसा दिखने वाला चाहिए, तो हमने बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए उन्हें सिलेक्ट किया, क्योंकि उनका वाला चेहरा काफ़ी मिलता जुलता था और बहुत अच्छे मराठी के कलाकार है वो, उन्होंने सीरियल्स में भी काम किया हुआ है, कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया था, तो भी एक अच्छे है। उससे ज़्यादा हमारा जो सब्जेक्ट इतना, यानी हमें जो विश्वास है हमारे सब्जेक्ट पे है, कलाकार से भी ज़्यादा जो हमारा सब्जेक्ट हमारा हीरो है, कि बोले इंडिया जय भीम का जो सब्जेक्ट अपने आप में हीरो है, कि उसको देखने के बाद में लोगों को लगे कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से नहीं आता है, तो वो कॉन्सेप्ट को हम लाने की कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से। नहीं, मेरा एक सपना था एक मूवी बनाने का, और ये भी मैं आज मीडिया के सामने बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली बनाने जा रहा था गुजराती मूवी, बट इन द मीनवाइल मेरे पास ये सब्जेक्ट आया, और मेरा एक्चुअली सीपी बैराज मतलब विदर्भ में 8-10 सिनेमा थे, और मुझे पता है लोगों की चॉइस क्या है। रिसेंट में एक रमाबाई करके एक फिल्म आई थी 3-4 साल पहले, जो मेरे हाउस में 7 हफ्ते चली थी, और 4 हफ्ते मतलब कंप्लीट पे, और उसके बाद में फिर मेरे फ्रेंड के पास भी एक मूवी आई, वो भी अच्छी चली। तो ये सेंसिटिव सब्जेक्ट था फ्रेंकली, बट इसमें थीम जो थी कि जय भीम का नारा किसने लगा, वो ज़रूरी था, क्योंकि हर कोई उनके लाइफ पे फिल्में बनाई, फैमिली पे फिल्में बनी, बट ये किसी ने अभी तक डेयरिंग नहीं की कि जय भीम का नारा किसने दिया। तो उसके जो 4 बंदे थे, 4 जो दोस्त थे, उनको कभी पब्लिसिटी या कुछ मिला नहीं, तो हमने ये मिस्टर हरदास करके जो है, जो बाद में MLA हुए, काम ठीक है, पहले MLA, उन्होंने काफ़ी मेहनत की इसमें, और हमने पिक्चर में जान डालने की कोशिश की कि उन्होंने क्या क्या किया है। अब आप भी समझ सकते हो कि भाई एक फिल्म के अंदर जितना डालो कम है, बट जितना हो सकता था बाबू हरदास जी के लिए और अम्बेडकर जी का साथ उनको कहाँ कहाँ मिला वो हमने बताया। तो डर लगा नहीं कि कहीं भी गलती होगी, चल कहीं गलती होगी तो? हाँ, नहीं, बात सही है, मैं जैसा आपको वहाँ पर भी यही कहा था कि ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बट अम्बेडकर सर को कहीं हमने छेड़ा नहीं, उन्होंने जहाँ जहाँ स्पीचेस दी वो स्पीच ली, और उन्होंने स्पीच में क्या कहा और उनका और इनका क्या संबंध रहा अपने हमारे हरदास जी का, वो हमने समझा ना ही उनके फैमिली लाइफ पे ली, ना फैमिली लाइफ इनकी ली, हरदास जी की, उनके बच्चे मर जाते हैं, उनका ये हो जाता, मतलब किस तरह से बर्बाद होते हैं, बट अम्बेडकर साहब को नहीं, बट उन्होंने किस प्रकार से साथ दिया वो हमने बताया। ना सर, नहीं, मैं अभी आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, मेरी शूट चल रहा था तब एक फॉरेनर आए थे नागपुर में, तो उन्होंने शूट देखने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सर ये फिल्म हमको दीजिए, मतलब सर अभी तो शूट शुरू हुआ, तो वो मेरा नंबर लेके गया, और मैंने जब फिल्म शुरू की उसी दिन मैंने इसकी रिलीज डेट तय कर ली थी 7 अक्टूबर, क्योंकि 7 अक्टूबर में क्या है, 11 अक्टूबर को दशहरा होता है, और दशहरा में हमारे नागपुर चंद्रपुर विदर्भ जितना एरिया है वहाँ काफ़ी लोग आते हैं, और उन काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी मिले। सी डेट तो बहुत मिलेगी, दिवाली आएगी, ये आएगा, सब आए, बट ये डेट ऐसी है कि जिसमें लाखों लोग वहाँ पर आते हैं दशहरे के, यानी उस दिन में आप ये समझ लीजिए अगर दशहरे का दिन मेरा मिस होता तो मैं शायद अप्रैल में जाता, क्योंकि इन लोगों का जहाँ जमावड़ा होता है वहीं पर ये फिल्म का मज़ा आएगा, और एक समाज में एक मैसेज जाएगा कि भाई बाबू हरदास ने इतना अच्छा काम किया है, उनकी समाधि पे भी लोग जाएंगे, जिनकी समाधि आज भी कामठी में है, और हर साल 15 जनवरी मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, 15 जनवरी को बहुत बड़ा मेरा उनको वहाँ श्रद्धांजलि देने लोग पहुँचते हैं, और वो भी मिलिट्री के कंटेनमेंट में है, जहाँ वहाँ पे उन लोगों ने ये सिक्योरिटी में, तो ये नहीं, फिलहाल मैं फ्रेंकली मैं विदर्भ ही रिलीज़ करूँगा अभी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, उसके बाद में फिर हिंदी का प्लान है, तमिल, तेलुगु, यानी सब मुझे ऑल ओवर इंडिया तक जितनी लैंग्वेजेस है और जो अप्रोचेस आएंगे मेरे पास उनका मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं खुद करने की मूड में हूँ।
इधर की बात है, महाराष्ट्र में नहीं 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 सर, अभी डेट, ये डेट जो आ रही है अभी प्री दिवाली वीक्स आ रही है, सात वाले हम वीक में अभी बॉम्बे, अभी जैसे मेरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं, अब एक दो जो बॉम्बे के थे वो किसी कारण नहीं आ पाए, उनका मैसेज आया कि मैं, मेरे को फीवर है, बट ठीक है जो भी हो चलेगा। थैंक यू, थैंक यू।